हेलो दोस्तों, आपका स्वागत और इस्तकबाल है मॉम्स फूड डायरी में। आज मैं आपके लाया हूँ ड्राई फ्रूट्स के केक की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बना है ये। इसकी कंप्लीट रेसिपी मैं लाया हूँ, ये किसी भी ओकेशन पे, क्रिसमस पे या एनिवर्सरी के मौके पे आप बना सकते हैं। बहुत ही परफेक्टली टेस्टी बना है ये, टेस्ट में बहुत ही परफेक्ट है। तो इसकी रेसिपी कम्प्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। तो इसमें हमको लगा है मैदा, यानी कि रिफाइंड व्हीट फ्लावर 250 ग्राम लगा है। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर पूरा आपको रेसिपी की लिस्ट मिल जाएगी, इंग्रीडियंट्स की लिस्ट। तो यहाँ पे हमको मैदा 250 ग्राम लगाया और 4 अंडे लगे हैं हमको इस रेसिपी में। उसके बाद ये है क्लैरिफाइड बटर, यानी कि हमको घी लगाया 200 ग्राम। ये ब्राउन शुगर, यानी कि या आप शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन शुगर या शुगर 200 ग्राम आपको लगेगा। हमने यहाँ पे ब्राउन शुगर लिया। यहाँ पे देखिए ये वनीला एसेंस लिया हमें। ये एसेंस आप ऑप्शनल भी रख सकते हैं, आप कोई दूसरा एसेंस भी ले सकते हैं। हमको 2 टीस्पून वनीला एसेंस लगेगा और ये कंडेंस मिल्क हमको लगेगा 3 टेबलस्पून। जो कंडेंस मिल्क हमने लिया है वो 3 टेबलस्पून लिया है। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स का केक है तो हमको सभी ड्राई फ्रूट्स 25 ग्राम लगेंगे। हमने यहाँ पे किशमिश, काजू, बादाम और पिस्ता, यानी कि पिस्ताचियो हमने लिया है। तो हर एक ड्राई फ्रूट्स हमने 25-25 ग्राम लिया है और हमको ऊपर से गार्निश भी करने के लिए लगेगा। तो हमको ये ड्राई फ्रूट्स का केक है तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा नमक लगेगा हमको, थोड़ा सा। और यहाँ पर देखिए, हम जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये पिस्ता भी हमने ले लिया है, कट करके रखे हमने 25 ग्राम। और इसके बाद हमको जो और एक इंग्रीडियंट है वो ये है कि इसमें बेकिंग पाउडर लगेगा 1 और आधा टीस्पून। दोस्तों, वनीला एसेंस हमने यूज़ किया है इसमें फ्लेवर एज अ फ्लेवर। आप कोई और भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक छन्नी में जो हमारा मैदा है उसको छान लेंगे, क्योंकि उसमें जो इम्प्योरिटीज होते हैं, जो उसमें छोटे से वो निकल जाएँ इसमें से। ऊपर से हम उसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड कर लेंगे इसी के दौरान। हमने मैदा में बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया उसको। ये देखिए, यहाँ पर इम्प्योरिटीज होती हैं छोटे से, वो हमको निकालना है, इसलिए हमने ये छान लिया है उसको छन्नी में। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, जो हमने अंडे लिए हैं उसको हम मिक्सर में फेंट लेंगे। आप हाथ से भी फेंट कर सकते हैं उसको, एक बार मिक्सर में मार लेंगे। और दूसरी तरफ और एक हम जो ब्राउन शुगर है उसको भी हम पीस लेंगे, यानी कि मिक्सर में मार लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारे जो अंडे हमने जो अंडे लिए हैं उसको फेंट लिया हमने मिक्सर में। अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम इसमें जो घी है वो ऐड करेंगे। ये जो हमने अंडे फेंट लिए थे उसमें घी ऐड किया, बाद में हमने कंडेंस मिल्क ऐड किया। अब हम डालेंगे इसमें जो, ये देखिए, ब्राउन शुगर का पाउडर हमने जो कर लिया है वो हम इसमें ऐड करेंगे। हम इसमें ऐड कर दिया है हमने, बाकी जो हमारा वैनिला एसेंस है वो भी हम इसमें ही ऐड कर लेंगे। आप कोई और रोज़ सिरप या कोई दूसरा एसेंस ले सकते हैं। ये देखिए, हमने, अगर आप नहीं डालते हैं तब भी चलेगा, सिर्फ एडिशनल है वो। यहाँ पे हमने नमक डाल के उसको हम मार लेंगे मिक्सर में। ये देखिए, हमारा मिक्सर बिल्कुल ही तैयार है। अब हम एक बड़े से बाउल में इस पूरे मिक्सचर को, जो हमने मिक्सर में मार लिया है, पीस लिया है, उसको हम एक बॉल में डालेंगे। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे, बाकी के पूरे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करते जाएंगे, लेकिन थोड़ा से बाकी रखेंगे ताकि हमको गार्निश के लिए लगेंगे वो। तो इसलिए हमने थोड़े रखे हैं, बाकी के पूरे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर लिए हैं इस बाउल में। जो किशमिश, पिस्ता, बादाम और काजू हैं, ये सभी ऐड करके थोड़े से हर एक के रख लेंगे। ये हमारा केक का बर्तन है, जो हमने केक, जिसमें हम केक का मिक्सर डालेंगे, ये हमारा केक का बर्तन में हम घी डालेंगे और उसको घी को पूरा फैला लेंगे बेस में इस बर्तन के, ताकि वो चिपके नहीं, जो हमारा बैटर होगा। और ऊपर से हम थोड़ा मैदा छिड़क लेंगे इस पर और उसको पूरा इस बर्तन को अच्छे तरीके से हिलाएंगे, ताकि वो पूरा आटा जो है उसको पूरे तरह से कवर हो जाए, उसका बेस जो है कवर हो जाए। यहाँ पे देखिए, हमने पूरा मिक्सर में पूरे ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर लिए हैं, पूरी तरीके से हम उसको मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। और अब हम डालेंगे इसमें जो मैदा है हमने रखा है, धीरे धीरे मैदा ऐड करेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए, मैदा हमने मिक्स कर लिया, फिर से जो बचा हुआ मैदा डालेंगे और फिर से पूरा मिक्स कर लेंगे इस पूरे बैटर को। यहाँ पे देखिए, पूरा हमने मिक्स कर लिया है, ड्राई फ्रूट्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे। ये पूरा मिक्सचर हमारा तैयार है, अब हम इसको हमारे बर्तन में डालेंगे। ये कंसिस्टेंसी भी इसकी करेक्ट है, हमने बर्तन में इसको पूरा ऐड कर दिया है, पूरे मिक्सचर को, जो हमारा केक का बर्तन है। ऊपर से हम देखें, जैसे मैं आपको बता रहा था, जो हमारे बचे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं जो चारों, ऊपर से हम उसको गार्निश कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा ड्राई फ्रूट्स का केक है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये परफेक्टली टेस्टी बना है, टेस्ट में बहुत ही परफेक्ट बना है। हमने कुकर को गर्म कर दिया और उसके बेस में नमक डाल दिया है इस तरीके से, और उसको अच्छी तरीके से हमने गर्म कर लिया है, क्योंकि हम ये प्रेशर कुकर में बना रहे हैं केक, हमने ओवन यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर देखिए, हम चेक कर लेंगे कि गर्म हुआ या नहीं। और उसके बेस में एक छोटी सी बर्तन, यानी कि एक छोटे से थाली रख लेंगे। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा केक है, हम उसको स्टार्टिंग के 10 मिनट
पूरी आँच पे पकाएंगे, बाकी के 30 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, टोटल 40 मिनट्स पकाएंगे। हमने थोड़ा यहाँ 45 मिनट्स पका लिया है। यहाँ पे देखिए हमारा केक, हम टेस्ट कर लेंगे इसको। ये हमारा केक बिल्कुल तैयार है। आप सिर्फ 40 मिनट्स ही पकाइएगा, शुरू के 10 मिनट पूरी आँच पे, बाकी के 30 मिनट मीडियम फ्लेम पे। हम ठंडा होने के बाद उसको चारों तरफ से काट लेंगे, कट कर लिया हमने उसको। और यहाँ पे देखिए हमने एक प्लेट में रख लिया है उसको। यहाँ पे देखिए पूरा पक चुका है, यहाँ पे हमारा केक बिल्कुल ही तैयार है। हमने थोड़ा ज़्यादा पका लिया है इसको 45 मिनट्स, लेकिन आप 40 मिनट्स ही पकाइएगा इसको। अब हम इसको कट करेंगे। ये हमारा केक बहुत ही, लेकिन टेस्ट में बहुत ही परफेक्ट बना है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा अपनी एनिवर्सरी या किसी ओकेशन पर। आप फेस्टिवल्स पर भी पका सकते हैं इसको, बना सकते हैं क्रिसमस पे। ये देखिए हमने इसको कट कर लिया। ये देखिए इस अंदर से बिल्कुल ही पक चुका है, ये सॉफ्ट फ्लफी भी बना है। ये देखिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। ये हमने पीसेस करके रखे हैं यहाँ पे केक के, ये ड्राई फ्रूट का केक है। आप इसी तरीके से बनाएगा इसको, जितनी हमने क्वांटिटी आपको बताई है इंग्रेडिएंट्स की। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, देखने के लिए शुक्रिया।